हाँ तो भाई, आज का दिन बड़ा हंसी खुशी गुजर रहा था और मैंने 7 बजे व्लॉग भी स्टार्ट किया था, लेकिन व्लॉग करते टाइम मैंने देखा कि मेरी दाढ़ी की सेटिंग जो है वो थोड़ी सी आउट हुई हुई है, तो हमें दाढ़ी सेट करवानी पड़ेगी। तो दाढ़ी तो सेट हो गई है, लेकिन दाढ़ी सेट करवाने के बाद कादिर भाई को बहुत मिस किया मैंने। कादिर भाई को नहीं जानते, बताता हूँ। मर्द अपनी लाइफ में सिर्फ 3 चीज़ों के साथ लॉयल होते हैं। लॉयल्टी नंबर 1 अपनी माँ के साथ होती है, अगर प्यार से बोलें तो अम्मी जान। लॉयल्टी नंबर 2 उस हस्ती के साथ होती है जो बहुत सारे सिंगल लड़कों की ख्वाहिश होती है कि उनके पास हो। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गर्लफ्रेंड, आई एम टॉकिंग अबाउट वाइफ, जिसे प्यार से बेगम शरीफ भी कहते हैं। और तीसरे नंबर पर वो हस्ती आती है जो आपको सोसाइटी में आपकी लुक्स बेहतर करने में हेल्प करती है। तो हम लड़के कभी भी उनको उन अल्फाज से नहीं बुलाते जो सोसाइटी में उनको एक दर्जा दिया, मतलब बारबर, नाई, हजाम। हम उनको बोलते हैं भाई, और मेरे लिए कादिर भाई बहुत इम्पोर्टेंट। तो सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे वालिद साहब, मेरा बड़ा भाई और मैं खुद, हम तीनों ही जब भी बाल कटवाते हैं, दाढ़ी सेट करवाते हैं, तो हम स्पेशली कादिर भाई से पहले टाइम लेते हैं, कॉल करते हैं, कादिर भाई हमें आना है बाल कटवाना। कादिर भाई हमें बता देते हैं कि हाँ भाई, अभी एक कस्टमर बैठा हुआ है, आप आधे घंटे के बाद आ जाओ। हम आधे घंटे के बाद फिक्स उस टाइम पर जाते हैं और हमारे लिए प्रॉपर इंतज़ाम हुआ हुआ होता है। सीट खाली होती है, कादिर भाई रेडी होते हैं और हमारे बाल या दाढ़ी सेट होती है। जब मैं दुबई जा रहा था तब मैंने कादिर भाई से बाल कटवाए। जब मैं दुबई से आ रहा था मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं दुबई में किसी महंगे सैलून को पैसे दे के बाल कटवाता, वहाँ पर अच्छा इन्वायरमेंट मिलता मुझे, अच्छी वाइब्स मिलती और कुछ अच्छी स्टोरीज मैं बना लेता स्नैपचैट की, और दूसरी ऑप्शन ये थी मेरे पास कि मैं वापस आता और कादिर भाई के साथ ही अपने जो एक लॉयल्टी लेवल है उसको कंटिन्यू करता। तो मैंने सेलेक्ट किया ऑप्शन नंबर 2। हम वापस आए और जिस टाइम पर मैं दुबई से वापस आ रहा था तो मेरा हुलिया कुछ इस टाइप का था कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा बड़े हुए हुए थे, मेरी दाढ़ी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई थी और ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने मैंने बाल नहीं कटवाए, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने वापस जाना है पाकिस्तान, और जब पाकिस्तान जाना है तो कादिर भाई के अलावा तो मैं किसी से बाल कटवाऊंगा। कादिर भाई के साथ अगर लॉयल्टी की बात करें तो इस कदर आपका भाई कादिर भाई के साथ लॉयल है कि आपके भाई का वॉलपेपर भी कादिर भाई की तस्वीर है। ये है हमारे प्यारे कादिर भाई। तो कादिर भाई, अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हैं, आई रियली मिस यू, क्योंकि आज आपकी ज़्यादा याद इस वजह से आ रही है कि आज मैंने दाढ़ी सेट करवाई थी और उसमें हमेशा की तरह कोई ना कोई मसले होते ही रहते हैं। तो आज भी जब वो मसला हुआ, हम हंसी खुशी तो दुकान से बाहर आ गए, लेकिन उसके बाद हमने एक ही बात बोली, कादिर भाई होते तो ऐसा ना हो।